आइए हम सभी इस समय प्रभु की आराधना में चलेंगे। अपने मन को तैयार कीजिए, हृदय को तैयार कीजिए उस प्रभु के स्वागत के लिए। सर्वोच्च प्रभु की आराधना इस समय हम करने जा रहे हैं। यीशु मसीह की आराधना इस समय हम करने जा रहे हैं। ये जान लो कि प्रभु महान, सर्वशक्तिमान, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जीवन देने वाला, चंगा करने वाला, उद्धार देने वाला, और उससे भी बहुत कुछ ऊपर हमें स्वर्ग राज्य ले जाकर अपने पास रखने वाला प्रभु हमारे बीच में चले आए हैं। परम प्रसाद के संस्कार के रूप में प्रभु हमारे बीच में इस समय चले आएंगे। यीशु आ रहे हैं, उनका स्वागत करें। यीशु आ रहे हैं हमारे बीच में, उनका स्वागत करें। बड़ी भक्ति के साथ, आनंद के साथ, स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, उल हर्षोल्लास के साथ, जैसे यरूशलेम में प्रभु का स्वागत किया था लोगों ने, होसाना, दाऊद के पुत्र को होसाना आदि नारे लगा कर स्वागत कर रहे थे, हम प्रभु का स्वागत इस समय करेंगे। जोरदार ताली बजा रहे राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया, गाइए। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। जोरदार ताली बजा के राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया, 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 मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु। जोरदार तालियां के साथ मिलके, राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। गाइए राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया, बोलो। शांति देने वाला यीशु, हालेलुया, शांति देने वाला यीशु, हालेलुया, शांति देने वाला यीशु, हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। बोलो राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, घुटने टेकिए घुटने। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु, हालेलुया।
राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। गाइए राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। जोरदार ताली बजाके राजाओं का राजा यीशु सिर झुकाइए, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया। आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया। खड़े हो जाइए सब लोग, खड़े हो जाए। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। खड़े हो जाइए राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। आइए राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गाओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेम करने वाला यीशु हालेलुया, प्रेम करने वाला यीशु हालेलुया, क्षमा करने वाला यीशु हालेलुया। और एक बार राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। जय जयकार करो, जय जयकार करो, पिता नाम का जय जयकार। नाम का जय जयकार करो, पिता नाम का जय जयकार, पिता नाम का जय जयकार। उत्साह के साथ तालियां बजाते हुए जय जयकार करो, जय जयकार करो, यीशु नाम का जय जयकार। यीशु नाम का जय जयकार करो, यीशु नाम का जय जयकार, यीशु नाम का जय
जयकार करो आत्मा नाम का जय जयकार आत्मा नाम का जय जय शास्त्र आत्मा नाम का जय जयकार आत्मा नाम का जय जयकार आत्मा नाम का जय जयकार करो आत्मा नाम का जय जयकार गाइए आत्मा नाम का जय जयकार करो यीशु तेरे नाम से सारे बंधन खुल जाए हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से सारे बंधन खुल जाए हालेलुया 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 यीशु तेरे नाम से महिमा हो जाए यीशु तेरे नाम से चमत्कार होने दे यीशु तेरे नाम से रोगी चंगे होने दे सब लोग यीशु तेरे नाम से लंगड़ों को बल मिले यीशु तेरे नाम से अंधों की आंखें खुले यीशु तेरे नाम से गूंगों को वाणी मिले यीशु तेरे नाम से विश्वास शुद्ध हो जाए यीशु तेरे नाम से बीमार चंगे हो यीशु तेरे नाम से चमत्कार होने दे यीशु तेरे नाम से मुर्दे जिंदे हो हालेलुया 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 छूले छूले यीशु सबको छूले तोड़ दे तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे आजादी आजादी दुष्ट आत्माओं से हो चंगे हो चंगे हो रोगी सारे चंगे हो खुल जाए खुल जाए सारे बंधन खुल जाए खुल जाए खुल जाए हमारे बंधन खुल जाए दूर हटे दूर हटे शैतान शक्ति दूर हटे प्रभु यीशु के नाम से सब लोग चंगे हो हालेलुया 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 दर्शन दे दर्शन दे दर्शन दे दर्शन दे दूर हटे शैतानी शक्ति दूर हटे खुल जाए सारे बंधन खुल जाए आ जाए आ जाए आशीष पे आ जाए खुल जाए
बंधन खुल जाए। उतरा उतरा पावन आत्मा उतरा, पावन आत्मा उतरा, हालेलुया 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 हालेलुया। तालियां बजाते हुए ऊंची आवाज में हालेलुया 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 तेरी आराधना 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 हालेलुया 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 लोग साक्षात प्रभु की उपस्थिति में है। वो कितना अच्छा प्रभु है। बाइबल जिसके विषय में बताती है कि वो करुणा सागर प्रभु है। वो अपने भक्तों के पास डेरा डालता, उनसे मिलने के लिए आता, उनसे बातें करता है, उन्हें नित्य प्रतिदिन अपने चरणों में आमंत्रित करता। धन्य है वे लोग जो उसकी उपस्थिति में जाते हैं। धन्य है वे लोग जो उसके मंदिर की सीढ़ियों पर अपना जीवन बिताते हैं। प्रभु कहता है, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है, जो मुझे खाता है, उसे कभी भूख नहीं लगेगी, और जो मेरा दिया हुआ जल पीता है, उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्रभु की प्रतिज्ञा है कि जो मेरे पास आता, मैं उन्हें कभी भी अंधकार में भटकने नहीं दूंगा, उसे जीवन की ज्योति प्रदान करूंगा। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने महसूस किया है कि आप कष्ट में हैं, दुख में हैं, बीमारी में हैं, शरीर की गांठों से परेशान हैं, ब्रेन ट्यूमर से परेशान हैं, बेचैन हैं, दुखी हैं, घर में शांति नहीं है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, घर में बहुत अशांति है, घर में बहुत क्रोध है, लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे को मारने काटने को तैयार रहते हैं। ये सब शैतानी हरकतें हैं, ये सब शैतानी आत्माएं हैं, ये सब दुष्ट शक्तियां हैं। चुगली का दुष्ट आत्मा, क्रोध का दुष्ट आत्मा, ईर्ष्या का दुष्ट आत्मा, जलन का दुष्ट आत्मा, अहंकार घमंड का दुष्ट आत्मा, हत्या करने का दुष्ट आत्मा, अश्लीलता का दुख का दुष्ट आत्मा, लोगों को बहकाने वाला दुष्ट आत्मा, प्रभु की उपस्थिति से दूर लेकर जाने वाला दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र करके लोगों को ठगने और लूटने वाला दुष्ट आत्मा, ये हमारे बैरी का काम है, जो नित्य प्रतिदिन शेर के जैसे, भूखे शेर के जैसे दहाड़ता फिरता, विचरता फिरता, किसे फाड़ खाए। आपके शरीरों पर इसका कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आपको प्रभु ने अपना लहू बहाकर खरीदा है। आमेन, हालेलुया हालेलुया। आज आप अंगीकार करेंगे तो आपका जीवन बदलेगा। बोले आमेन आमेन। प्रभु मैं अंगीकार करता हूँ, प्रभु मैं अंगीकार करता हूँ, आप ईसा मसीह हैं, आप ईसा मसीह, आपने मेरे पापों के लिए दुख उठाया, आपने मेरे पापों के लिए दुख उठाया, मेरे लिए प्रायश्चित किया, मेरे लिए प्रायश्चित किया, मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए लहू की एक एक बूंद बहा दी, लहू की एक एक बूंद बहा दी। मैं तेरा मंदिर हूँ,
मैं तेरा मंदिर, इस मंदिर में निवास कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हे प्रभु, हम खाली बर्तन हैं, हम प्रभु हम खाली बर्तन, हम खाली कांसे हैं, हम खाली कांसे, हमें भर दीजिए, हमें भर दीजिए, हमारे घरों को भरपूर कीजिए, हमारे घरों को भरपूर, बच्चों के जीवन में आशीष प्रदान कीजिए, बच्चों के जीवन में आशीष। हालेलुया 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 हालेलुया। आज जितने भी लोग अंगीकार करेंगे, जितने लोग प्रायश्चित करेंगे, आपका जीवन बदलने वाला है, आपके जीवन में आशीष आने वाली है। वो प्रभु साक्षात स्वरूप इस वेदी के सामने उपस्थित हैं। उससे कहें, प्रभु का सामर्थ्य मांगे कि प्रभु हम पर उतर आ, हम खाली बर्तन हैं, हमारे बर्तन, हमारा जीवन खाली है, हड्डियां सूखी हुई हैं, इन पर छा जाइए और हमें आशीष प्रदान कीजिए। खाली दामन है, दोनों हाथों को खुला छोड़े, खाली कहां से है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाए। खाली दामन है, खाली से है बाप तेरी रुके, भूखे प्यासे है बाप तेरी, बाप तेरी रुके, भूखे प्यासे है। भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, भेज दे, नाचते हुए गाते हुए प्रार्थना करते हुए, भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, भेज दे अपना रूप, भेज दे खुदावंद, भेज दे खुदावंद, भेज दे अपना रूप। कहे प्रभु मेरा दामन खाली है, खाली कांसे है, प्रभु मेरा गर्भ खाली है, खाली दामन है, खाली कांसे है, बाप तेरी रुके, भूखे प्यासे है, भेज दे भेज दे। आपका घर, आपकी संगति, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाए। खुदावंद भेज दे भेज दे, खुदावंद भेज दे अपना रूह, और एक बार मिल गए, भेज दे खुदावंद भेज दे भेज दे, खुदावंद भेज दे अपना रूह। मन में ठाना दामन को छू कर पाएंगे शिफा, तेरे पाक लहू की मरहम दे गहरे जख्म मिटा, मन में ठाना दामन को छू कर पाएंगे शिफा, तेरे पाक लहू की मरहम दे गहरे जख्म मिटा, मन में ठाना दामन को छू कर पाएंगे शिफा, तेरे पाक लहू की मरहम दे गहरे जख्म मिटा, मन में ठाना दामन को छू कर पाएंगे शिफा, तेरे पाक लहू की मरहम दे गहरे जख्म मिटा। भीड़ को चीर के हम दामन छूते हैं, दामन छूते हैं, जोर से भेज दे खुदावंद, खुदावंद भेज दे अपना रूह, भेज दे खुदावंद, भेज दे
खुदावन भेजते भेजते अपना भेजते भेजते खुदावन भेजते भेजते खुदावन भेजते भेजते अपना दाऊद के बेटे ये से रहम हम पर जी हाँ प्रभु ख्वाहिशों की जो पड़ी है आंखों पर दाऊद के बेटे यीशु तू कर दे रहम हम पर उतरे दिल्ली ख्वाहिशों की जो पड़ी है आंखों पर भेजते भेजते खुदावन भेजते भेजते खुदावन भेजते भेजते अपना भेजते भेजते खुदावन भेजते भेजते खुदावन भेजते आमीन भेजते भेजते खुदावन भेजते भेजते अपना भेजते भेजते खुदावन भेजते खुदावन भेजते भेजते अपना भेजते भेजते खुदावन भेजते भेजते खुदावन भेजते भेजते अपना अपना भेज दे खुदावंद भेज दे भेज दे खुदावंद भेज दे भेज दे अपना हालेलुया हालेलुया दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 18 ईसा ने उत्तर दिया मैंने शैतान को स्वर्ग से बिजली की तरह गिरते हुए देखा है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर दुरात्मा शक्तियों पर अधिकार दिया है कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया हालेलुया इस वचन के द्वारा हे प्रभु यीशु सारी दुष्ट आत्माओं पर बुराई की आत्मा पर अधिकार लेता हूं तेरे इन बच्चों को जो तेरी वेदी के सामने हैं इन्हें समर्पित करता हूं इनके ऊपर तेरा पवित्र लहू छिड़कता हूं ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेने वालों को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ हालेलुया इनके घरों पर इनके परिवारों पर आशीष दीजिए और इनके जीवन पर कब्जा कीजिए हालेलुया सभी बैठ जाएंगे। भाई हेनरी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आपके साथ प्रभु के वचन को साझा करेंगे, जो हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल के सदस्य हैं और हमारे बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री टीम के सदस्य हैं
आज वो प्रभु के वचन को आपके साथ साझा करेंगे और अपने अनुभव को आपके साथ बांटेंगे। कुछ क्षण शांत रहकर हम प्रभु का वचन सुनें और प्रभु की महिमा करें और अपने आप को तैयार करें कि प्रभु आज हमारे जीवन को बदल दे, हमारी जो भी आशाएं हैं प्रभु उन्हें पूरा करें और हमें आशीष प्रदान करें। प्रभु यीशु की स्तुतियो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का आज के सत्संग में प्रभु के इन वचनों में हम आपका स्वागत करते हैं। विश्वास के साथ जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो ये वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ये वचन हमारे जीवन में, हमारे शरीर की हड्डी और मज्जाओं में प्रवेश करता और कल्याणकारी परिवर्तन उत्पन्न करता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ नीचे करें। हम प्रभु यीशु के आज पवित्र सत्संग में यहाँ पर उपस्थित हैं और हम यहाँ देखते हैं आप सभी लोगों के बीच परम पवित्र वेदी पर संस्कार उपस्थित है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं चंद बातें पवित्र संस्कार से संबंधित आपको बताना चाहूँगा ताकि हमारे जीवन में संस्कार के प्रति विश्वास पड़े और हम संस्कार के ज्ञान के द्वारा, उस पर विश्वास के द्वारा अपने जीवन में चमत्कार पाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यूहन के अध्याय 14, यूहन के सुसमाचार अध्याय 14 में हम एक सुंदर वाक्य प्रभु का पढ़ते हैं। अध्याय 14 और उसके वचन 18 में इस प्रकार लिखा है, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। दाहिना हाथ उठाए, इस वचन को बोले, प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों को, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर, अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार हम मत्ती के सुसमाचार और उसके अध्याय 28 में जाएं, जब प्रभु यीशु स्वर्ग जा रहे थे उन्होंने हमें एक सुंदर वचन अपने चेलों के द्वारा दिया। अध्याय 28 और उसका वचन 20 के दूसरे भाग में इस प्रकार लिखा है, प्रभु कहते हैं, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। दाहिना हाथ उठाएं, बोले, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मैं संसार के अंत तक, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, सदा तुम्हारे साथ, मैं संसार के अंत तक, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु ने खुद कहा, देखो मैं तुम्हें अनाथ छोड़ करके नहीं जाऊंगा। हम जानते हैं प्रभु यीशु शरीर से इस स्वर्ग से चले गए, तो प्रभु किस प्रकार हमारे बीच उपस्थित हैं, क्योंकि प्रभु ने जीवित वायदा किया और जो वो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। उन्होंने कहा, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। यदि प्रभु हमारे साथ हैं तो आज भी हमारे साथ होने चाहिए। बोलो हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो आज हमें ये जानना है, विश्वास करना है कि प्रभु आज हमारे साथ हैं। यदि प्रभु हमारे साथ नहीं है तो वो हमारे जीवन में चमत्कार कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पवित्र कैथोलिक कलीसिया इसको हमें सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ रहने के लिए वायदा किया और वे हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में कलीसिया हमें सिखाती है, प्रभु यीशु हमारे बीच में तीन रूपों से उपस्थित रहते हैं हर समय 24 घंटे, जिसे कहते हैं 24 गुणा 7।
हफ्ते के सातों दिन रात और दिन प्रभु यीशु हमारे बीच रहते हैं, और वो किस प्रकार है, प्रभु यीशु किस प्रकार रहते हैं, हम आज वचन से सीखेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। साधारण रूप से मैं आपको बता दूंगा, प्रभु यीशु मसीह तीन रूप से हमारे बीच में रहते हैं, और एक रूप आप सब लोग जानते हैं, और हम लगभग धरती की सभी मसीह में विश्वास करने वाले लोग इस बात को मानते हैं कि प्रभु हमारे बीच वचन से उपस्थित है। प्रभु हमारे बीच कैसे उपस्थित है? वचन। हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि यूहन के सुसमाचार अध्याय एक में लिखा है, वचन देहधारी हुआ, वचन ईश्वर का वचन देहधारी हुआ। तो यीशु मसीह ईश्वर का वचन है, पिता ईश्वर का वचन है, और ईश्वर का वचन हमारे बीच विद्यमान रहता है, इसलिए यीशु मसीह वचन के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। हालेलुया हालेलुया। दाएं हाथ उठा के बोले, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह वचन के रूप में, वचन के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहते हैं, हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ नीचे करें। दूसरा, प्रभु यीशु ने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा, वह सत्य का आत्मा है। हालेलुया हालेलुया। तो यीशु मसीह ने हमें पिता के पास जाकर के उसने हमें अपना आत्मा प्रदान किया, उसने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा हृदय पवित्र आत्मा का मंदिर है, और उस हृदय में, हमारे शरीर में प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा निवास करता है। इसलिए प्रभु यीशु हमारे हृदय में पवित्र आत्मा से निवास करते हैं और निवास करने चाहिए। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु बुरे स्थान पर निवास नहीं कर सकता, क्योंकि वह पवित्र है। इसलिए हमारा हृदय जब पवित्र होता है, जब हम अपने हृदय को पवित्र बनाते हैं, तो प्रभु हमारे हृदय में, हमारे शरीर के मंदिर में आत्मा से उपस्थित होता है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु ने कहा, हालेलुया, हम यूहन के सुसमाचार अध्याय 6 में जाएंगे। यूहन के सुसमाचार अध्याय 6 और उसके वचन 51 में प्रभु यीशु इस प्रकार कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूं, यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के लिए जीवन, संसार के लिए अर्पित मेरा मांस है। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तीसरा, प्रभु यीशु ने वायदा किया, वो हमारे बीच उपस्थित रहने के लिए एक रोटी का रूप धारण करने वाले हैं। प्रभु यीशु ने कहा, इसलिए प्रभु यीशु स्वयं रोटी बन गए। स्वयं क्या बन गए, इसको मैं विस्तार रूप से बताऊंगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पर आप मोटी मोटी तीन बातें आप जान गए, प्रभु यीशु हमारे बीच किस प्रकार से उपस्थित है, वचन से उपस्थित है, दूसरा आत्मा से उपस्थित है, तीसरा रोटी, रोटी के रूप में प्रभु हमारे बीच उपस्थित है, और हम पवित्र संस्कार में प्रभु यीशु के रोटी के रूप में दर्शन करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और वह प्रभु जीवित है। हालेलुया। प्रभु क्या है, जीवित है। इसलिए प्रभु के वचन जीवित है, प्रभु का आत्मा जीवित है, प्रभु की रोटी भी जीवित है। हालेलुया प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आदिकाल में, पुराने व्यवस्थान में जब हम जाते हैं तो हम पढ़ते हैं, आदिकाल में प्रभु ने इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति को देखा और उसे धार्मिक जाना। इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति को पवित्र वचन में लिखा है कि उसने इब्राहिम को चुना और उसे धार्मिक जाना। हालेलुया हालेलुया। और इब्राहिम के द्वारा उसने, पिता ईश्वर ने अपने इच्छा के अनुरूप इब्राहिम को चुना और ये चाहा, क्योंकि संसार भर में जब मनुष्य बढ़ गए तो ईश्वर ने चाहा कि इन लोगों को, संसार भर के लोगों को ईश्वर के बारे में सत्य का ज्ञान, ईश्वर के वचन का सत्य ज्ञान कौन कराएगा। इसलिए उसने प्रारंभ में इब्राहिम को चुना और उसके द्वारा एक जाति उत्पन्न की।
जिसे हम इसराइलियों के रूप में जानते हैं, हालेलुया, यहूदियों के रूप में जानते हैं, और अब से लगभग 4,500 साल पहले, लगभग 4,500, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, इतने हजार साल पहले प्रभु ने इब्राहिम को चुना और उसके द्वारा एक जाति उत्पन्न की, और प्रभु की इच्छा थी कि प्रभु इस जाति के माध्यम से, इब्राहिम के विश्वास के माध्यम से सारी जातियों में अपना सुसमाचार फैलाए, अपना वचन फैलाए, सभी मनुष्यों को जो किसी भी राष्ट्र धर्म जाति के हों, सारे संसार भर में ईश्वर का वचन, ईश्वर का सत्य ज्ञान, ईश्वर के विषय में सत्य ज्ञान वो फैलाए, ये ईश्वर की योजना उसने इब्राहिम के द्वारा प्रकट की। हालेलुया, हालेलुया। और इस कार्य को करने के लिए उसने मूसा को चुना था, उसने मूसा को चुना था जब मिस्रियों को, जिसमें लिखा गया है जब वो दास्ता से निकाले गए तो स्त्री युद्ध करने योग्य पुरुषों की संख्या लगभग 16,00,000 थी। वचन बताता है, निर्गमन ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, स्त्री पुरुषों को छोड़ दें जो युद्ध करने लायक नहीं है, बच्चे और स्त्री और बूढ़ों को छोड़ दें, तो सिर्फ युद्ध करने लायक लोग 16,00,000 थे। एक व्यक्ति इब्राहिम से, जिससे एक पुत्र पैदा हुआ, इब्राहिम जिससे एक पुत्र इसहाक पैदा हुआ, और इसहाक के द्वारा उसने इतनी संख्या बढ़ा दी, लगभग 400 साल के अंदर एक व्यक्ति से इतनी संख्या में लोग बढ़ गए कि 16,00,000 लोग तो उसमें युद्ध करने योग्य लड़के थे, और उसके अलावा बाकी जाति, तो हम सोच सकते हैं कि कम से कम लगभग 40-45,00,000 लोग वहां पर थे, और उनका एक नेता के रूप में एक नबी को प्रभु ने नियुक्त किया, और उसका नाम था मूसा। मूसा नबी को नियुक्त किया, हालेलुया। जब मूसा को प्रभु ने दर्शन दिए, मूसा को जब नियुक्त किया तो स्वर्ग से ईश्वर उतरा अग्नि के रूप में और एक चट्टान पर उतरा। कहां उतरा? कहां पर उतरा? चट्टान पर उतरा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। और वो प्रभु उस मूसा को चट्टान पे दर्शन दिया, और जब प्रभु ने अपनी प्रजा के लिए आज्ञाएं बताई तो उस मूसा से कहा, तू इसी चट्टान से दो पाटियां काट ले, चट्टान से काट ले, और उस पे प्रभु ने अपने वचन लिखे, जिसे हम प्रभु के 10 नियम के रूप में जानते हैं। हालेलुया, प्रभु ने अपनी संहिता उस पत्थर पर, उस पाटी पर प्रदान की। प्रभु उस चट्टान पर उतरा, उस सिनाई पर्वत पर उतरा, तो वो पूरा का पूरा पर्वत जो है पवित्र हो गया। हालेलुया, क्यों? क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान विस्मयकारी प्रचंड ईश्वर महिमा में उस चट्टान पर उतरा, और वो चट्टान क्या हो गई? पवित्र हो गई। और उस चट्टान की पाटियों पर एक टुकड़े को काटा, और उस टुकड़े पर कहा कि इस पर प्रभु की आज्ञाएं लिखी जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और वो आज्ञाओं को प्रभु आदेश देता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी कि उस पाटियों को एक मंजूषा में रखा जाए। विधि विवरण ग्रंथ निकाले, अध्याय 10, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10, और उसका वचन 1-2 में हम इसको पढ़ लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10, अध्याय 10, प्रभु का वचन इस प्रकार, प्रभु ने उसे आज्ञा दी और उससे कहा, 10:1-2 में हम इसको पढ़ते हैं। उस समय प्रभु ने मूसा से, यानी मुझसे, मूसा लिखते हैं कि मुझसे कहा, तुम पहली पट्टियों की तरह पत्थर की दो पाटियां कटवाओ और मेरे पास पर्वत पर लाओ, लकड़ी की मंजूषा भी बनवाओ, मैं पाटियों पर वही शब्द लिखूंगा जो उन पहली पाटियों पर अंकित थे जिन्हें तुमने तोड़ दिया था।
इसके बाद तुम उन्हें मंजूषा में रख लो। हालेलुया 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 हालेलुया। और मूसा कहते हैं इस पर मैंने बबूल की लकड़ी की एक मंजूषा बनवाई और पहले की उन पाटियों की तरह ही पत्थर की दो पाटियां कटवाई जिन्हें मैंने मंजूषा में रखा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने एक लकड़ी की मंजूषा बनवाई और उसमें उस चट्टान के टुकड़े को रखा। कुछ समझने का प्रयास करें, प्रभु कहां पर उतरा? चट्टान पर उतरा। कहां उतरा? पूरी चट्टान पवित्र है। उस चट्टान में से एक टुकड़ा निकाला और उसमें वचन, उसमें क्या लिखा है? चट्टान के टुकड़े पे क्या लिखा है? वचन। प्रभु ने अपनी आज्ञाएं लिखी और उन आज्ञाओं को मंजूषा में रखा, एक लकड़ी की मंजूषा बना के उसमें रखा। तो प्रभु अपनी महिमा के साथ उपस्थित होने के लिए उस मंजूषा में विद्यमान हुआ। किस रूप में? वचन के रूप में। वो प्रभु उस चट्टान पर उसने वचन लिखवाए और उस मंजूषा में प्रभु रहने के लिए राजी हुआ। हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। प्रभु ने मंजूषा में चट्टान का काटा हुआ टुकड़ा रखवाया वचन के द्वारा, वचन लिख करके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। और वो, और प्रभु ने ऐसा क्यों किया? प्रभु ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने लोगों के बीच रहना चाहता था। प्रभु तो प्रचंड महामय, वो हमारे बीच रह ही नहीं सकता क्योंकि हम तो मिट्टी के पुतले मात्र हैं, है ना। पर प्रभु एक स्वर्ग में रहने वाला प्रभु अपनी प्रजा से इतना प्रेम करता है कि वो उनके बीच रहने के लिए राजी होता है, उनके बीच रहने के लिए राजी होता है। अब मुझे एक बात बताएं, चट्टान का स्वभाव कैसा होता है? हालेलुया हालेलुया। चट्टान का स्वभाव कैसा होता है? कठोर होता है या मुलायम होता है? कठोर होता है। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु अपनी आज्ञाओं के रूप में उस पवित्र मंजूषा में था, परंतु प्रभु न्याय रूप में वहां से, वहां पर उपस्थित था, एक न्यायकर्ता, और वह कठोर निर्णय देने वाला परमेश्वर था। हालेलुया और है। हालेलुया। और वो जब उसमें चट्टान के एक मंजूषा में वो रहता था उस समय में, तब प्रभु अपवित्रता से, उनके पापों से जब नाराज हो जाता था तो तुरंत दंड देता था, क्योंकि प्रभु उनके बीच उपस्थित होने के लिए आया। और जब ये लोग पाप करते थे तो प्रभु स्वर्ग से अग्नि भेज करके उनको भस्म करता था, उनको अनेक महामारी भेज के या अन्य बातों के द्वारा उनको प्रताड़ित करता था। हालेलुया यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तब पिता ईश्वर इस बात को स्वयं ये समझने लगे कि मैं इस प्रजा के साथ, इस लोगों के बीच में कैसे रहूंगा, क्योंकि मैं एक अपवित्रता को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, पिता ईश्वर जानते हैं, और मैं कठोर दंड देता हूं तुरंत, क्योंकि उसे, उस बुराई पिता ईश्वर की आंखों में गड़ती है, पाप उससे देखा नहीं जाता। हालेलुया, क्योंकि हमारा ईश्वर पवित्र, अति पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, इसलिए उससे वो बुराई देखी नहीं जाती, वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालेलुया यीशु की स्तुति हो। इसलिए उसने मूसा से कहा, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 हम निकाले, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 और उसके तीन वाक्य में, उसके दूसरे भाग में लिखा है, हालांकि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाना चाह रहा हूं, ले जा रहा हूं, जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, परंतु तुम्हारे साथ रहते समय मुझे एक भय सता रहा है। ईश्वर को एक भय लगा है, क्यों? क्योंकि वो प्रतिदिन इन लोगों के पाप के आचरण को देख करके बड़ा दुखी होता है। इसलिए वो मूसा से कहता है, मैं स्वयं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम एक हठीली प्रजा हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा विनाश कर डालूं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु को, प्रभु तो सर्वज्ञानी है और वो जानता था। अब ईश्वर में उस चट्टान का स्वभाव, इसलिए चट्टान पर प्रभु ने कहा, और चट्टान कठोर होती है, इसलिए ईश्वर उनके प्रति कठोरता, और उसने कहा जब ये अवज्ञा करेंगे, पाप करेंगे, तो मैं इनका विनाश कर डालूंगा। हालेलुया हालेलुया। तब मूसा ने प्रभु से निवेदन किया, प्रभु
नहीं, ये तो तेरी प्रजा है जिन्हें तूने प्रेम से बनाया, तू इन्हें कैसे विनाश कर सकता है। हालेलुया 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया फिर पिता ईश्वर ने अपने लोगों के साथ चलने का निश्चय किया, क्योंकि प्रार्थना की गई, प्रार्थना की गई तो उसने अपने दूत को उस समय लोगों के बीच भेजा। मूसा के साथ रहने के लिए उसने अपने एक दूत को भेजा, क्योंकि ईश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, मेरा दूत रहेगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम पाप करोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर डालूंगा, विनाश कर डालूंगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मूसा से उसने प्रतिज्ञा की कि मैं मूसा के जैसे तुम लोगों के बीच में एक नबी उत्पन्न करूंगा। हालेलुया उसने प्रतिज्ञा की, पिता ईश्वर ने प्रतिज्ञा की। हालेलुया यीशु की स्तुतियों, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। और अब से 2000 वर्ष पहले, अब से 2000 वर्ष पहले वो प्रभु जो पहले चट्टान पर उतरा था, वो प्रभु जिसने चट्टान पर अपनी आज्ञाएं लिखी थी, वो प्रभु अब दयामय प्रेममय ईश्वर बन के उतर रहा है। पहले उतरा था कठोर चट्टान पर आपको समझाने और दंड देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अब उसने जो प्रतिज्ञा मूसा से की थी वो पिछले 2000 पूर्व स्वर्ग से उतरा। हालेलुया। और वो कहां उतरा, वो मां मरियम जो चट्टान का रूप बन गई उसकी कोख में देहधारी किया। हालेलुया ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया। प्रभु पहले चट्टान पे उतरा, अब वो मां मरियम की कोख में उतरा। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने लिए एक शरीर तैयार किया, उसने अपने लिए क्या किया, एक शरीर तैयार किया, एक हाड़ मांस अपने लिए खुद तैयार किया। हालेलुया। इसके लिए उसने मां मरियम को पवित्र बनाया, क्योंकि जहां ईश्वर आता है, अगर सिनाई पर्वत पर परमेश्वर उतरा और वो पूरा का पूरा पहाड़ पवित्र हो गया, तो जिसकी कोख में प्रभु उतरा वो मां क्या है, पवित्र है, अति पवित्र है। हालेलुया यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मैंने ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि कई बार जो कैथलिक कलीसिया पूर्ण विश्वास आपको सिखाती है, कई बार अन्य प्रकार के लोग पूर्ण विश्वास को लेकर के नहीं चलते हैं। वो कहते हैं हम यीशु को वचन के रूप में तो मानेंगे पर यीशु को रोटी के रूप में नहीं मानेंगे, हम यीशु को वचन के रूप में तो मानेंगे पर हम पवित्र आत्मा को नहीं मानेंगे। पूर्ण शिक्षा नहीं है, पूर्ण शिक्षा नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम इस बात को आपको समझा रहे हैं और हम जान लें, क्योंकि जब हम पूर्ण विश्वास करेंगे तो प्रभु के पूर्ण हम चमत्कार को भी पाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु मां मरियम की कोख में वचन, और हमें योहन के सुसमाचार अध्याय 1 में हम इस वचन को पढ़ते हैं, और शब्द देहधारी हुआ और वे उतरा, किस रूप में उतरा। हालेलुया हालेलुया। किस में उतरा, उसने शरीर धारण किया। अध्याय 1 और उसके वचन 14, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। दाहिना हाथ उठाए, प्रभु का वचन दोहराए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ नीचे करें। तो शब्द ने किस प्रकार हमारे बीच निवास किया, अब शरीर के द्वारा, शरीर धारण करके यीशु बन गए। तो यीशु ईश्वर का वचन जो इस शरीर में आ गए, इस फ्लैश में आ गए, इस मांस में आ गए। तो ईश्वर ने अपने आप को ये मांस क्यों दिया, इसलिए क्योंकि चट्टान कठोर होती है पर मांस जो होता है ये सॉफ्ट होता है, ये क्या होता है, मुलायम होता है। और ईश्वर ने अपने आप को इस मांस में डाल के अपने आप को विनम्र बना दिया, नम्र बना दिया, क्या बना दिया, विनम्र बना दिया, दयालु बना दिया। ईश्वर क्या बन गया, यीशु मसीह जो हमारे बीच निवास किया शरीर में, और वह इस शरीर में हमारे लिए प्रेम और दया का एक श्रोता बन गया, जो अब दंड नहीं देता। वो बताता है कि पाप का दंड तुम्हें मिलेगा, पर यीशु मसीह के द्वारा
हमेशा हर व्यक्ति को, चाहे वो कितना पापी क्यों ना हो, जो भी यीशु मसीह के पास आता है उसे सिर्फ दया प्रेम मिलता है, दया और प्रेम मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के प्रेम का रूप बन गया। इसलिए जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम निडर होके आते हैं, पौलुस कहते हैं, क्योंकि अब हमें यीशु मसीह से पिता ईश्वर के जैसे क्रोध का डर नहीं लगता, क्योंकि यीशु मसीह प्रेम के रूप बन गए और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच पवित्र रोटी के रूप में उपस्थित रहते हैं। क्यों? क्योंकि पिता ईश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस वचन को कहा। हालेलुया। लूकस के अध्याय 22 और उसके वचन 19 में, लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 और उसके वचन 19 में प्रभु ने आज्ञा दी कि तुम रोटी के रूप में आशीष दो और उसने कहा यह तुम मेरी स्मृति में किया करो, और प्रभु ने कहा ये रोटी नहीं बल्कि ये मेरा शरीर है। ये रोटी नहीं बल्कि ये क्या है? प्रभु का। ये रोटी नहीं बल्कि ये क्या है? प्रभु का शरीर है। हालेलुया। और जीवित प्रभु का शरीर है, पवित्र आत्मा इसी रोटी में उपस्थित है, जीवन दाता। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। संसार में इस प्रकार पिछले 2000 साल में सैकड़ों चमत्कार हुए हैं जब प्रभु यीशु ने इस रोटी में जीवित होने की उपस्थिति का चमत्कार दिखाया है। हालेलुया। बाहर की बात में करूं, पहले हमारे भारत देश में ही कई चमत्कार हो चुके हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह ने हमारे देशवासियों के लिए दिखाया। केरला में कुछ समय पहले, लगभग इस बात को 2-3 साल लगभग हो रहे हैं, और वहां पर एक महिला रानी नाम की, जब वो परम प्रसाद लेने के लिए पहुंची, वो एक धार्मिक महिला, प्रार्थना करने वाली महिला, और प्रभु ने संदेश दिया आज मैं अपने आप को प्रकट करूंगा, जब फादर पवित्र परम प्रसाद हम लोग आते हैं पवित्र मिसा में तो हम हाथ में या जुबान में पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण करते हैं, क्योंकि जीवित प्रभु की रोटी है। जब रखा गया तो ये रोटी एक जीवित मांस बन गई और उसमें से खून बहने लगा। हालेलुया। खून बहने लगा। हालेलुया। और सभी लोगों ने इस बात को देखा। आप YouTube पे, नेट पर चेक करके इस चमत्कार को देख सकते हैं और उसमें इस चमत्कार की जीवित रिकॉर्डिंग गवाही उसमें है। हालेलुया। यीशु की स्तुतियों। तो ये परम प्रसाद का चमत्कार पोटा आश्रम में रानी एक महिला उसके द्वारा, ये प्रभु यीशु उस समय पवित्र परम प्रसाद रोटी को एक अपने जीवित शरीर के रूप में प्रकट किए। हालेलुया। यही चमत्कार प्यारे भाइयों और बहनों सन 2006 में इसी प्रकार चमत्कार ताबोर कल्याण, मुंबई के पास एक आश्रम है, कल्याण एक स्थान है, वहां पर ताबोर आश्रम में ये चमत्कार हुआ। जब ये चमत्कार हुआ वहां पर, तो मैंने उस चमत्कार को देखा था अपने, मैं गया ताबोर आश्रम गया हूँ, आप भी जा सकते हैं। और वहां पर पुरोहित जो मिसा कर रहे थे, फादर जॉबी नाम के पुरोहित हैं, और वो मिसा कर रहे थे, तो मिसा के समय परम प्रसाद और वो जो कटोरे में फादर दाखरस लेते हैं वो लहू में परिवर्तित हो गया, वो लहू में परिवर्तित हो गया, और उसकी जहां भी कपड़े के ऊपर भी जहां भी छींटे पड़ी वो रक्त में बदल गई। हालेलुया। हालेलुया। वो कपड़ा भी आज भी वहां पर रखा हुआ है और उसमें जो रक्त था वो होली सी रोम भेज दिया गया था, क्योंकि वो पोप को दिखाने के लिए, संत पिता को दिखाने के लिए वहां पर भेजा गया। हालेलुया। परंतु उसके चिन्ह अभी भी बाकी वहां पर रखे हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि मैं देख करके आया हूं अपनी आंखों से। हालेलुया। आप भी देख सकते हैं। हालेलुया। यीशु की स्तुतियो। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु कितनी बार इस चमत्कार को दिखाते, कितनी बार लेंसियानो इटली नाम के एक, इटली के एक लेंसियानो नामक शहर में ये चमत्कार हुआ था। इस बात को तो करीब 100 साल हो गए, पहले की बात है, पर वहां पर संत पापा ने प्रभु की रोटी को वैज्ञानिकों के द्वारा लैब में टेस्ट करने की अनुमति दी। विज्ञानी कहने लगे हम इसको चेक करना चाहते हैं,
तब संत पिता ने उनको यह अनुमति दी। तो वैज्ञानिक एक टुकड़ा काट करके उसमें से ले गए और जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने ये बताया जो बहुत हृदय को छेदने वाली बात है, उसे सुनेंगे आप। उन वैज्ञानिकों ने क्या कहा, उन्होंने कहा पापा, संत पापा को बताया ये जो परम प्रसाद इस फ्लैश में ये मांस में बदल गया है, ये मांस ना ये शरीर का मांस नहीं, ये दिल का टुकड़ा है, ये दिल का मांस है। कहां का मांस है? खाल का नहीं, कहां का मांस? दिल का मांस, उन्होंने बताया। और ये एक वर्टिकल कट, जैसे दिल को एक वर्टिकल कट दे दिया गया है, उस रूप में वो मांस बन गया और उसमें से खून बह रहा था, थोड़ा नहीं बहुत सारा खून बहा उसमें से। तो प्रभु यीशु का हृदय छेदित किया गया था, प्रभु यीशु का हृदय छेदित किया गया था, क्योंकि जब क्रूस पर प्रभु थे, क्रूस पर जब प्रभु थे तो प्रभु को बर्छा मारा गया था। तो बर्छा जब इधर से मारा गया तो उस जमाने में ये उन सैनिक लोग जानते थे, इसलिए उनको ये सीधी तरफ से यहां से मारा गया। तो जब यहां से बर्छा मारा तो यहां लिवर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति क्रूस पे नहीं मरता था तो उसको ऐसे मारते थे, तो वो लिवर काटता था, उसके बाद लंग्स काटता था और उसके बाद वो दिल काटता था, तो ऐसे बर्छा अंदर आता था और इस प्रकार से प्रभु के दिल को बर्छे के द्वारा भेदा गया हमारे लिए। हालेलुया, उसने हमारे प्यार के लिए अपने दिल को कुर्बान किया। हालेलुया, इसलिए ये रोटी प्रभु यीशु मसीह के दिल का टुकड़ा है। किसका टुकड़ा है? दिल का टुकड़ा है। हालेलुया, और इसमें जीवित प्रभु अपने हृदय को लेकर के यहां पर उपस्थित होते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं फर्स्ट कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 और उसके वचन 29 में इस प्रकार कहते हैं कि यदि कोई अयोग्य रीति से इस प्याले को खाता और पीता है तो वह अपनी दंडाज्ञा कमाता है। यदि प्रभु की पवित्र रोटी का कोई अनादर करता है, उसके विषय में भी यदि कोई अनुचित सोचता उपहास करता है, तो पौलुस कहते हैं, मैं बाइबल से ही आपको वचन सुना रहा हूं, बाइबल से ही सुना रहा हूं, तो वह अपनी दंडाज्ञा कमाता है। पौलुस कहते हैं यानी ये अनिवार्य है कि हम प्रभु की रोटी को उपस्थित रख के उसकी आराधना करें, ये अनिवार्य है, ये बाइबल बताती है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और आज आपके और मेरे लिए यही परम प्रसाद हमारे लिए वो चट्टान है, वो चट्टान है। निकाले इजाया नबी की पुस्तक अध्याय 51, इजाया नबी का पुस्तक अध्याय 51 और उसके वचन 1 में प्रभु कहता है अपने नबी के द्वारा, उस चट्टान को देखो जिससे तुम निकाले गए हो। हालेलुया, हालेलुया। दाएं हाथ उठाए, इस वचन को कहें, प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं, उस चट्टान को देखो, उस चट्टान को देखो जिससे तुम निकाले गए हो, जिससे तुम निकाले गए हो। हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे करें, प्रभु ने आपको अपने दिल से क्षमा करके उसने आपको चुन लिया है। वो कहता है ये मेरी प्रजा है जिसे मैंने अपने लिए अलग कर लिया है। आप चुनी हुई प्रजा हो, आप जितने लोग ऑनलाइन इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु कहता है आप सब लोग चुनी हुई प्रजा हो जिसे मैंने संसार से अपने लिए अलग कर लिया है। आप लोगों को निकाल लिया गया है, आप स्पेशल हो, आप चुने हुए हो, प्रभु ने अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए आपको अलग कर लिया है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। इन सैकड़ों करोड़ों लोगों में से आपको अलग हटा करके चुन लिया है उस महान परमेश्वर ने। और वो परमेश्वर कहता है इस चट्टान को देखो, क्योंकि इस चट्टान को देखेंगे तो आप आशीर्वाद पाएंगे, आप चमत्कार पाएंगे। हालेलुया। एफेसियों का पत्र अध्याय 1:4, एफेसियों का पत्र अध्याय 1:4। हालेलुया। और कब आपको चुन लिया गया? आप मेरी बहन, मेरे भाई, ये मत सोचो मैं बाई चांस चर्च आ गया और मैं बाई चांस मेरे साथ ऐसा हो गया, वो ऐसा था कि मैं बीमार था तो मेरे को चमत्कार हो गया तो मैं प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। आप लोग जितने भी चुने हुए हैं, आप बाई चांस नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में कोई चीज बाई चांस नहीं होती है। ये वैज्ञानिक लोग और ये संसार के लोग कहते हैं कि ये सब कुछ अपने आप हो गया,
आप एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा दबा दो जमीन में, क्या वो घड़ी बन जाएगा? बन जाएगा, लोहे की घड़ी नहीं बनेगा ना। तो इतना बड़ा सुंदर संसार और आपका जीवन, ये बाय चांस कैसे बन सकता है? आप कुछ भी बाय चांस नहीं बने हो। हालेलुया, आपको बाय चांस चुना नहीं गया है। प्रभु का वचन बताता है फिलिपियों के पत्र अध्याय 1:4 में, भाई पढ़ सकते हैं? अध्याय 1:4 जोर से पढ़े। उसने संसार की दृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। आमेन। दाहिना हाथ उठा के भाई के पीछे इस वचन को दोहराएंगे, मुंह खोल के जोर से बोलेंगे वचन को। उसने संसार की सृष्टि से, उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमें चुन लिया, मसीह में हमें चुन लिया, जिससे हम, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर, मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में, उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने, पवित्र तथा निष्कलंक बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु ने मेरी प्यारी बहनों और भाइयों और समस्त जनता जो इस समय वचन को सुन रही है, आपको चुना गया। दिस इज अ स्पेसिफिक टाइम जो प्रभु ने आपको निकाला है इस संसार से अपने वचन सुनने के लिए और उसके चरणों पर बैठने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको आपके जन्म से पहले ही चुन लिया गया था, आपके जन्म होने से पहले ही उसने आपका नाम निश्चित कर लिया था, और उसे पता था अपनी योजना में कि एक वो दिन आएगा, एक वो दिन आएगा जब ये पुत्री जो कहीं पर भी पैदा हुई है, ये पुत्र जो कहीं पर भी पैदा हुआ है, वो चुन करके यीशु के चरणों में आएगा। हालेलुया, वो यीशु पर विश्वास करेगा और अनंत जीवन पाएगा। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे, हम सब चुने हुए हैं। हालेलुया, जन्म से पहले आप चुने हुए हैं। आप अपने आप को हल्का मत मानो, क्योंकि प्रभु कहता है मैंने तेरा नाम अपनी हथेलियों पर लिखा है। आपका नाम प्रभु ने अपनी हथेलियों पर लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में पवित्र रोटी के रूप में विद्यमान है। और वो कहते हैं योहन का सुसमाचार अध्याय 6 और उसका वचन 47-48 हम पढ़ लेंगे। योहन का सुसमाचार अध्याय 6 निकाले और उसका वचन 47, 47 और 48 पढ़े। यहां पर लिखा है प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे ये कहता हूं जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जो विश्वास करता है, यदि आप जो आज आपने सुना वचन पर विश्वास करते हैं कि स्वर्ग से उतरी हुई रोटी प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है, यदि आप ये विश्वास करते हैं तो प्रभु कहता है तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें, आप सभी को अनंत जीवन प्राप्त है। जो कोई भी इस वचन को देख रहा है तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है, मात्र विश्वास की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन 48 प्रभु कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं। जोर से बोले प्रभु कहते हैं, प्रभु कहते हैं जीवन की रोटी, जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुतियो, यीशु को धन्यवाद। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं यदि कोई, यदि वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। करें पौलुस कहते हैं 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 और उसका वचन 18। पौलुस कहते हैं इसलिए हमारी आंखें उन अदृश्य चीजों पर टिकी हुई हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, समय की मांग है, हम सीमित समय में सीमित बातें ही बता सकते हैं, परंतु वास्तव में प्रभु की बातें करने जाए तो अनंत है, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। हालेलुया, बाइबल खुद कहती है यदि सारी बातें प्रभु की लिखी जाती तो समुद्र की भी स्याही कम पड़ जाती। हालेलुया, तो प्रभु वचन कहता है कि हम, पौलुस कहते हैं हम अदृश्य वस्तुओं पर दृष्टि लगाए रहते हैं। प्रभु ने कहा था तुम उस चट्टान को देखो जिससे तुम निकाले गए हो, ये अदृश्य। अब इसमें दृश्य अदृश्य क्या है? दृश्य रूप में तो हमें मात्र एक रोटी दिखाई देती है आंखों से, पर विश्वास के द्वारा अदृश्य रूप से इस रोटी में हम किसके दर्शन पाएंगे?
प्रभु यीशु के और उसका अनुभव करेंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, नागपुर में मैं वचन दे रहा था, फादर रुडोल्फ के साथ हम एक साधना में गए हुए थे और मैं उस समय बहुत बीमार पड़ गया। अचानक मुझे लूज मोशन हो गए और मैं बहुत बीमार पड़ गया और कम से कम सुबह से शाम तक जो है बहुत सारे मोशन हो गए और मैं खड़े होने की उपस्थिति में नहीं रह गया, बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रहा था, खाया भी नहीं गया कुछ। और सुबह ये रात से कर्म चालू था, सुबह फिर मुझे वचन देना था, मेरी टांगे कांप रही थी, मेरी टांगे कांप रही थी क्योंकि पूरे रात भर तो मैं दौड़ता रहा तो ताकत सुबह तक सब खत्म हो गई। मैंने फादर से कहा, फादर मेरे बस की बात नहीं है क्योंकि मैं तबीयत खराब हो गई तो हम सुबह प्रचार करने भी नहीं जा सकते हैं, तो मैं यहीं कमरे में रुकूंगा। तो फादर ने कहा नहीं, आप चर्च आओ। तो हम सुबह मिस्सा में तो भाग लिए और उस समय जब मैंने परम प्रसाद ग्रहण किया तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप जीवित रोटी में उपस्थित हैं, मुझे पहली बात तो शक्ति दो कि मैं वचन सुना सकूं, मेरे शरीर में ताकत नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, पहले मुझे शक्ति भी दो। दूसरा मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज जब हम वचन प्रचार करें वहां पर तो तेरे जीवित आत्मा की उपस्थिति मुझे देखने मिले। और मैंने प्रभु से एक चिन्ह मांगा, मैंने एक चिन्ह मांगा, मतलब ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमको करना चाहिए पर चिन्ह मांग सकते हैं, तो मैंने एक चिन्ह मांगा और वो ये चिन्ह ये था कि मैंने कहा, प्रभु आज मुझे पश्चाताप के ऊपर वचन देना है, मैं प्रभु तेरे क्रूस के ऊपर वचन दूंगा और मैं ये देखना चाहता हूँ कि जब प्रभु तेरा वचन लोग सुने तो वो आंसुओं से रोए, तब मैं जानूंगा कि पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति वहां पर है। ये मैंने प्रभु से अपने हृदय में कहा। मैंने परम प्रसाद ग्रहण किया, परम प्रसाद ग्रहण करते ही मेरे शरीर में बल आ गया। हालेलुया, मैंने नाश्ता भी नहीं किया, नाश्ता भी नहीं किया और मेरे शरीर में पता नहीं कहाँ से बल आ गया। और फिर मैंने कहा फादर से, चलो हम लोग प्रार्थना के लिए जाएंगे। फादर बोले सब ठीक है, मैंने कहा हाँ सब ठीक लग रहा है। और हम वचन गए, जहां मेरे को बिस्तर से खड़े होने की ताकत नहीं मिल रही थी, मैं उस दिन 6.5 घंटे नॉन स्टॉप खड़ा रहा वहां पर। अपने वचन की बारी आई वो तो मैं था ही, पर जब सभी कुछ हो रहा था मैं खड़ा ही रहा वहां पर क्योंकि मुझे बैठने के लिए इच्छा ही नहीं हुई, मैं पूरे टाइम खड़ा रहा, 6.5 घंटे मैं खड़ा रहा वहां पर। और जब प्रभु का वचन मैंने सुनाया तो सामने से लेकर पीछे तक मैंने लोगों के आंसू टपकते हुए देखे। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे, प्रभु ने अपने चिन्ह को पूरा किया जो मैंने उससे मांगा था। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि प्रभु मुझे प्यार करता है, प्रभु आपको मुझसे दुगना प्यार करता है। आज आप मांगेंगे प्रभु से तो प्रभु आपके लिए वो कार्य क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह का सुंदर वचन है, योहन के अध्याय 14 और उसके वचन 14 में प्रभु कहता है, तुम मेरा नाम लेकर के मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। आइए हम खड़े हो जाएं। प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरा नाम लेकर के मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। ध्यान करें, जो प्रभु कह रहा है तुम कुछ भी मांगोगे, आज जो कुछ तुम मांगने जा रहे हो, क्या तुम्हारी उस कुछ में वो तुम्हारी समस्या नहीं आती है? प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं थोड़ी सी चीजें सही कर दूंगा, सिर्फ पेट दर्द सही करूंगा तो सिर का नहीं करूंगा, प्रभु ने ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रभु ने सारी समस्याओं के लिए कहा है, सिर से लेके पांव तक जितनी भी बीमारियां तुम्हारे शरीर में है, तुम्हारे अंगों में है, जो भी तुम्हारी समस्याएं, आर्थिक परेशानी, पारिवारिक मानसिक परेशानी, सारी की सारी प्रभु आज इस परम प्रसाद के रूप में आपकी परेशानियों को हल करने जा रहा है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें, विश्वास करें, सब कुछ आपके विश्वास पर आधारित है, अपने विश्वास को मजबूत करें। आइए हम प्रभु के पास आए, हाथ जोड़े, विनम्र हृदय से प्रभु के सामने उपस्थित हो जाएं, आंखें बंद करें और हम प्रभु की आराधना में आगे बढ़े। प्रभु आज आपकी आंखों के सामने चमत्कार उत्पन्न करेगा। आमीन। ये चंगाई के क्षण होंगे, वचन के द्वारा प्रभु ने हमें एहसास दिलाया कि हमारा उद्धार इब्राहिम, इसहाक, याकूब का ईश्वर जो स्वयं देहधारी होकर हमारे बीच में
रहता है, विद्यमान है, वो हमारा उद्धार करता है। आप लोग पश्चाताप करेंगे, विश्वास करेंगे तो उसकी महिमा देखेंगे, सारे बंधन खुल जाएं, अविश्वास के बंधन, हर प्रकार की दुष्ट शक्ति के बंधन प्रभु तोड़ दे, उसका आत्मा हम पर अधिकार ले, हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, हमारे पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के लिए प्रायश्चित करते जाएं। मैं इस दौरान जबकि हम गीत गाएंगे प्रभु से निवेदन करूंगा और आप सब पर ले हैंड प्रेयर करूंगा, प्रभु आपको स्पर्श करे, आशीष दे। इस वक्त पूरे तन से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से हम प्रभु के इस आराधना में भाग लेते हुए इस गीत को गाएं, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। तोड़ दे कर मदद तू मेरी हर दम, कर मदद तू
चमका कर तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे नाश करे शैतान की हरकत नाश करे शैतान की हरकत तू है रू जो देता बरकत तू है रू जो देता बरकत नाश करे शैतान की हरकत नाश करे शैतान की हरकत जंजीरों को तोड़ दे तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे ताली बजाकर तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे हालेलुया 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 कैसे जल रहा है देखो कैसे जल रहा है आग लग रही है आग लग रही है जल यीशु मसीह के नाम से आदेश के नाम उसके पैरों के नीचे तेरी जगह है जल के रंग को हालेलुया 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 ताली बजाकर हालेलुया 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 कैंसर के बंधन तोड़ दे कैंसर के बंधन तोड़ दे बीमारी के बंधन तोड़ दे बीमारी के बंधन तोड़ दे तंत्र मंत्र के बंधन तोड़ दे तंत्र मंत्र के बंधन तोड़ दे श्रापों के बंधन तोड़ दे श्रापों के बंधन तोड़ दे गर्भ के बंधन तोड़ दे गर्भ के बंधन तोड़ दे अपने रू की आग से तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे हालेलुया 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 निसंतान के बंधन तोड़ दे निसंतान के बंधन तोड़ दे रसौलियों के बंधन तोड़ दे रसौलियों के बंधन तोड़ दे बीमारियों के बंधन तोड़ दे बीमारियों के बंधन तोड़ दे टीबी के बंधन तोड़ दे टीबी के बंधन तोड़ दे व्यभिचार के बंधन तोड़ दे व्यभिचार के बंधन तोड़ दे अश्लीलता
अश्लीलता के बंधन तोड़ दे, गर्जे के बंधन तोड़ दे, गर्जे के बंधन तोड़ दे, अपने रोगी आग से तोड़ दे, या तोड़ दे, नई ब्रंच, नई ब्रंच इन द नेम दीजिए। हालेलुया 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 पावन आत्मा चले आइए, तेरी उपस्थिति से हमें भर दे, हालेलुया 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 हालेलुया। पावन आत्मा तू छा जा हम पर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पावन आत्मा तू छा जा, तू छा जा, छा जा, हालेलुया हालेलुया। विश्वास के साथ सभी समर्पित होते जाए, बंधन तोड़ दे, चमत्कार होने दे, हालेलुया Hallelujah.
दया करने वाले दया सागर हालेलुया हालेलुया बंधन तोड़ दे तेरी महिमा महिमा होवे हालेलुया 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 चमत्कार हो चमत्कार हो चमत्कार चमत्कार हो हालेलुया 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 प्रभु येसु दया सागर प्रभु येसु हालेलुया 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 स्तुति करें सब लोग हालेलुया 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 तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा तेरी महिमा आराधना 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 हालेलुया 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 यीशु 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yesu, 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 Yesu. Yesu, 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 Yesu. Yesu, 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 Yesu. Yesu, 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 Yesu. Yesu, 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 Yesu. Yesu, 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 mera 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 Yesu. Suti kariya, Hallelujah, 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 Hallelujah. Yesu, 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 Yesu.
यीशु का नाम लीजिए, यीशु का नाम लीजिए, यीशु का नाम, 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 यीशु, 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 यीशु बोलिए, यीशु बोलिए, यीशु बोलिए, यीशु का नाम हर बंधनों से छुटकारा देगा, यीशु का नाम हर पाप से छुटकारा देगा, यीशु, 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 मेरा यीशु, 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 हालेलुया, 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 मेरा यीशु, 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 मेरा 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 यीशु, यीशु, वो है आदि मेरा, वो अनंत मेरा, मेरा यीशु, यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, यीशु, मेरा वो है जीवन दाता, वो आनंद दाता, मेरा यीशु, यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, यीशु, मेरा चंगा करने वाला, आशीष देने वाला, मेरा यीशु, यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, यीशु, मेरा यीशु, यीशु, मेरा यीशु, शांति देने वाला, शक्ति देने वाला, मेरा यीशु, मेरा यीशु, यीशु, मेरा यीशु, 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 जपते जपते यीशु सा बन जाऊं, यीशु, यीशु, जपते जपते यीशु, यीशु, जपते जपते यीशु सा बन जाऊं, आत्मा से भर के मैं तो उसकी महिमा गाऊं, मेरा यीशु, मेरा यीशु, यीशु, मेरा यीशु, वो है शांति दाता, वो है शक्ति दाता, मेरा यीशु, यीशु, मेरा यीशु, मेरा यीशु, यीशु, मेरा यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया,
स्तुति करते जाइए, बंधनों को खुलने दीजिए, आजाद होने दीजिए, यीशु का नाम लेते जाइए। यीशु का नाम में ही मुक्ति है, यीशु के नाम में ही शक्ति है। यीशु का नाम आपको आजाद करेगा, यीशु का नाम आपको स्वतंत्र करेगा। इसी समय आपके जीवन से हर बंधन खुलेंगे। यीशु के नाम पर आपका रुका हुआ काम पूरा होगा। यीशु के नाम पर आपकी बीमारियां चली जाएं। यीशु के नाम पर दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। यीशु के नाम से हर बीमारी से छुटकारा मिले। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। आइए यीशु का नाम गाते जाइए। दिलाए सुना शांति दिलाए सुना गाइए दिलाए सुना शांति दिलाए सुना मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना मुक्ति दिलाए प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 16 पद संख्या 18 वचन में लिखा है, पौलुस ने मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे ईसा मसीह के नाम पर आदेश देता हूं, इससे निकल जा।
इससे निकल जाने का तुझे मैं आदेश देता हूं। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 25। ईसा ने अशुद्ध आत्मा को यह कहते हुए डांटा, बहरे गूंगे आत्मा, मैं तुझे आदेश देता हूं, इससे निकल जा और इसमें फिर कभी नहीं घुसना। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 8। विश्वमंडल का प्रभु कहता है, मैं उनके कंधों पर का जुआ तोड़ दूंगा, मैं उनके कंधों पर का जुआ तोड़ दूंगा और उनके बंधन काट दूंगा और उसके बाद विदेशी फिर उन्हें अपना दास नहीं बना सकेंगे। उसने अंधकार और मृत्यु की छाया से उन्हें निकाला। उसने उनके बंधन तोड़ डाले। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। सभी लोग घुटना टेकें, हाथों को ऊपर उठाएं। प्रभु ने आपको शुद्ध किया, चंगाई दिया। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु ने शैतानी बंधनों से आजाद किया, छुटकारा दिया है। नतमस्तक हो जाइए प्रभु के सामने। आपके सारे पाप बंधन, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवन चर्या, आपके शरीर पर इनका कोई अधिकार नहीं है। प्रभु चाहता है कि तुम शुद्ध हो जाओ, प्रभु चाहता है कि तुम चलो फिरो, प्रभु चाहता है तुम्हारी सूखी हड्डियों में जान आ जाए, प्रभु चाहता है। और वो कहता है, मैं तुम्हारे बंधनों को तोड़ डालता हूँ, तुम्हारे पूर्वजों से चले आए हुए कंधों पर रखे जुए को मैं काट डालता हूं। दया करने वाले अब्बा पिता, जीवन देने वाले, शांति सांत्वना हिम्मत देने वाले प्रभु, तूने यीशु मसीह के रूप में देह धारण किया और अपने बच्चों को क्षमा करने और प्यार करने का तूने आदेश दिया। तेरे इन बच्चों पर दया कर जो कई वर्षों से अंधकार की शक्तियों में जकड़े हुए, तंत्र मंत्र जादू टोने की आत्मा से जकड़े हुए हैं, तूने इन्हें आजाद किया। तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ प्रभु। इनके जीवन पर किसी दुष्ट शक्ति का, बुराई की आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। तू इनके जीवन पर अधिकार ले और इन्हें स्वस्थ करने की कृपा कर। तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले, हर रोग शक्ति से इन्हें आजाद करे। इनके परिवारों पर दया दृष्टि कर जो बीमार हैं, अनेक प्रकार से रोगी हैं प्रभु, तेरा आत्मा इन पर उतरे और इन्हें स्वास्थ्य प्रदान करे। इनकी हड्डियों में बल आ जाए, इनकी सूखी नसों में नवजीवन का संचार कर दे, जीभ के बंधन खोल दे, हाथों के बंधन खोल दे, लकवे के बंधन तोड़ दे, कैंसर की बीमारी, रसौलियों पथरियों की बीमारी के बंधन तोड़ दे और अपनी इस प्रजा को अपने अधिकार में कर ले। मैं तेरा दास तुझसे निवेदन करता हूँ, तेरे नबियों के जैसे, तेरे चुने हुए प्रेरितों के जैसे प्रायश्चित करता हूँ और तुझसे निवेदन करता हूँ, इनके परिवारों में प्रभु अपनी प्रचुर मात्रा में आशीष प्रदान कर। सारी बीमारियां इनके जीवन से, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, गठिये की बीमारी, रसौलियों की बीमारी, पथरी के रोग, हृदय के रोग, गुर्दों के रोग, लकवे की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, स्पॉन्डिलाइटिस, ब्रेन ट्यूमर की बीमारी, टाइफॉइड, डायबिटीज, अनीमिया, मानसिक रोग की बीमारी, लिकोरिया, घुटनों के दर्द, पीलिए की बीमारी, बवासीर की बीमारी, रक्तस्राव की बीमारी, तंत्र मंत्र जादू टोने, यीशु मसीह के नाम से आपको शरीरों को छोड़े और उसके क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। फायर
यीशु मसीह की आग आप लोगों पर उतरे, यीशु मसीह की रूह की आग आप लोगों पर उतरे, शुद्ध करे, पवित्र करे, उसके पवित्र नाम से सारी प्रकार की शक्तियों से आप आजाद हो जाओ। आमेन 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 आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। खुजली का आत्मा, स्तन के कैंसर का आत्मा, स्तन की गांठों का आत्मा, शरीर के इन्फेक्शन का आत्मा, दुष्ट आत्माओं के बंधन आप लोगों के शरीरों से टूटे, उसके पवित्र वचन के द्वारा, उसके पांचों घावों के द्वारा, उसके सलीब पर फतेह के द्वारा, उसके हृदय के छेदे जाने के द्वारा, उसके शरीर से बह निकले पवित्र लहू के द्वारा, सिर से बह निकले पवित्र लहू के द्वारा, उसके हृदय से बह निकले पवित्र लहू के द्वारा, उसके हाथों से बह निकले पवित्र लहू के द्वारा, उसके पैरों से बह निकले पवित्र लहू के द्वारा, शैतानी सारे बंधन टूटे और उसके क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरे शुक्रगुजार है, तेरे बच्चों को तूने छुआ। साष्टांग प्रणाम करें, साष्टांग प्रणाम करें। प्रभु का आशीर्वाद इस वक्त हम ग्रहण करेंगे। वो जीवन देने वाला प्रभु, शांति देने वाला प्रभु, वो पवित्र है, उसका नाम पवित्र है। सारे स्वर्गदूत, दूत, संत गण नित्य प्रतिदिन उसके मंदिर, उसके स्वर्ग राज्य में उसकी स्तुति करते, आराधना करते हैं। अब दूत उसे देखकर कांपते हैं, डरते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, नतमस्तक हो जाएं, प्रभु आशीष देने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे और प्रभु को धन्यवाद दें सारी आशीषों के लिए, और एक साथ मिलकर हम गाते हैं। धन्यवाद तुझे, धन्यवाद तुझे, धन्यवाद
तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। सबको जय यीशु की जय। प्रभु ने हमें अपना दर्शन दिया, स्पर्श किया, आप लोगों के बंधन तोड़े, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आप सब लोग उसकी आशीष में जीवन बिताएं। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु की।